स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट है ये। तो हमारा जो चैप्टर रह गया था हम उसे कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है इसमें सेव अ प्रोग्राम। तो देखो हम क्या करेंगे, क्लिक द फाइल मेन्यू। हम पहले किस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू में एंड सेलेक्ट द सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन पे हम सिलेक्ट करेंगे गिव अ मीनिंगफुल नेम। हम उसमें मीनिंगफुल नेम देंगे टू यू प्रोग्राम इन द फाइल नेम, फाइल नेम में जो हमें हमारे प्रोग्राम पर सुटेबल लगे। टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द प्रेस द एंटर की एंड टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे एंड फिर कर देंगे प्रेस एंटर की। योर फाइल विल बी सेव्ड। तो हमारी फाइल जो है वो सेव्ड हो जाएगी विद द नेम, आपके नेम में गिवन बाय द एन एक्सटेंशन डॉट बी ए सी। आपने जो नाम दिया उसके साथ डॉट बी ए सी लगे विल बी एडेड टू इट ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली एड हो जाएगा। द फाइल नेम शुड नॉट बी एग्जीक्यूट मोर देन 8 कैरेक्टर। जो फाइल का नेम है वो 8 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रन अ प्रोग्राम, कैसे रन करता है प्रोग्राम। टू सी द आउटपुट, हमें आउटपुट देखने के लिए अ प्रोग्राम व्यू नीड टू रन द प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम को रन कराना भी जरूरी है। देयर आर मैनी वे टू रन अ प्रोग्राम, बहुत सारे वे हैं प्रोग्राम को रन कराने इन अ क्यूबेसिक। क्यूबेसिक में विच आर फॉलो, जैसे हम प्रेस करें बाय प्रेसिंग F5 की, F5 की को दबाए कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग रन मेन्यू एंड क्लिक ऑन स्टार्ट ऑप्शन। फिर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट ऑप्शन पे। बाय टाइपिंग रन इन द इंटीग्रेटेड मोड एंड प्रेसिंग द एंटर की, एंड फिर हम किस पे एंटर की पे प्रेस कर देंगे। अब आता है एग्जिट एंड ओपन क्यूबेसिक। एग्जिट और ओपन कैसे करना है क्यूबेसिक को। टू एग्जिट क्यूबेसिक विंडो, हम क्यूबेसिक विंडो को एग्जिट करने जाते, क्लिक द फाइल, फाइल पे क्लिकेंगे एंड एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो वो है फाइल एग्जिट हो जाएगा। या टू ओपन, अगर हमें ओपन करना है एन एग्जिटिंग प्रोग्राम, प्रोग्राम जो बंद करा हुआ है, प्रेस अल्ट एफ की, अल्ट अल्ट के संग अल्ट को प्रेस करके एफ की और दबा देंगे तो द फाइल मेन्यू विल ओपन, जो फाइल मेन्यू होगा वो ओपन हो जाएगा। हाईलाइटिंग ओपन कमांड्स फ्रॉम द डिस्प्ले ऑप्शन एंड प्रेस एंटर। फिर हम क्या करेंगे, ओपन करने का एंड प्रेस एंटर कर देंगे तो हाँ ओपन हो जाएगा। सेलेक्ट द प्रोग्राम, फिर क्या करेंगे, हम प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे उस प्रोग्राम फाइल को फ्रॉम द डिस्प्ले, डिस्प्ले पे डिस्प्ले लिस्ट पे एंड प्रेस एंटर की, फिर एंटर की को हम प्रेस कर देंगे। अब आता है स्टूडेंट कैरेक्टर सेट ऑफ क्यूबेसिक। क्यूबेसिक में कैरेक्टर सेट कैसे होता है। आ कैरेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ सिंबल्स, जो कैरेक्टर सेट होता है वो एक सिंबल सेट होता है सिंबल्स का, विच आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। बेसिक यूजर्स द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ एज अ इट्स कैरेक्टर सेट, तो कैरेक्टर सेट में हम इन कुछ भी सिंबल्स हैं उनका यूज करते हैं। अल्फाबेट में ए टू से, ए से लेकर जेड तक, कैपिटल और स्मॉल दोनों में, नंबर्स में 1 से लेकर 0, 0 से लेकर 1, तो 0 से लेकर 9 तक हम कर सकते हैं। और स्पेशल सिंबल्स में ये हमारे पास सिंबल्स हैं इनका हम यूज कर सकते हैं। अब आता है कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होता है। कॉन्स्टेंट द वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूटिंग द प्रो ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता प्रोग्राम रन कराते टाइम भी। कॉन्स्टेंट भी दो तरह के होते हैं, न्यूमरिक कॉन्स्टेंट एंड अल्फाबेटिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब न्यूमरिक कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं। एनी न्यूमरिक वैल्यू एज इंटीजर और रियल नंबर। न्यूमरिक वैल्यू होती है वो या तो इंटीजर हो सकती है या फिर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, इस कारण न्यूमरिक कॉन्स्टेंट, उसे हम न्यूमरिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 224 हो सकता है, +12 हो सकता है, 0 हो सकता है, -7.4 हो सकता है, आर द वैल्यू ऑफ न्यूमरिक कॉन्स्टेंट। न्यूमरिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, न्यूमरिक कॉन्स्टेंट शुड नॉट इंक्लूडिंग एन एनी स्पेशल सिंबल्स, इसमें क्या हुआ स्पेशल सिंबल्स का यूज नहीं होता एंड आर यूज टू कैलकुलेशन, और हम इसे एंड यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन में। और अल्फाबेट्स एंड स्ट्रिंग, अ सेट ऑफ द कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग, जो सेट होता है कैरेक्टर का, मतलब ए टू जेड जो होते हैं वो क्या है हमारे स्ट्रिंग। एंड अल्फाबेटिक और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट इज ऑफ अ सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ए टू जेड, कैपिटल में स्मॉल में 0 to 9, एंड कंटेन स्पेशल सिम्बल्स लाइक एज दिस एक्सेट्रा। हमारे जो न्यूमरिक कॉन्स्टेंट था उसमें कोई स्पेशल सिम्बल्स नहीं होता था, बस क्या होता है न्यूमरिक वैल्यू होती थी। पर जो हमारी स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट अल्फाबेटिक कॉन्स्टेंट है, अल्फा न्यूमरिक कॉन्स्टेंट है सॉरी, उसमें क्या है हमारा ए टू ए से लेके जेड तक है, कैपिटल स्मॉल में 0 से लेकर 9 तक है, और हम इसमें स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं। इनक्लोज इन, इनक्लोज्ड इन द डबल कॉन्स्टेंट, हमें किसमें डबल क्वोटेंट में रखना पड़ेगा। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट आर यूज टू
रिप्रेजेंट नॉन न्यूमरिक क्वांटिटीज सच एज नेम एड्रेस, हमें क्या नेम और एड्रेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है हमें, पहले हमने उसका नाम लिखा, फिर सम बराबर कितना ₹84, ये भी हमने उसमें रखा है डबल इनवर्टेड कॉमा में, और 192 आर फ्यू वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये कुछ फ्यू स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब आता है हमारा वेरिएबल्स। अ वेरिएबल इज द लोकेशन, वेरिएबल वो है लोकेशन होने इन मेमोरी टू विच एनी वैल्यू कैन बी असाइनटेड, यहाँ पे हम कोई वैल्यू अपनी असाइन कर सकते हैं। इट कंटेन द होल्ड द वैल्यू, ये क्या होता है कंटेन होता है, यहाँ पे हम वैल्यू को होल्ड करते हैं अनटिल अनदर वैल्यू इज एसोसिएटेड टू इट, जो कि दूसरी वैल्यू एसोसिएट हो सके। देयर आर टू टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ये भी दो तरह के होते हैं वेरिएबल्स, न्यूमरिक एंड अल्फा न्यूमरिक एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो न्यूमरिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, आर न्यूमरिक वेरिएबल्स कैन होल्ड एंड ओनली न्यूमरिक कॉन्स्टेंट, केवल न्यूमरिक कॉन्स्टेंट को करता है। इट इज रिप्रेजेंट बाय द अल्फाबेट और अल्फाबेट फॉलोड बाय अनदर अल्फाबेट बाय और अ डिजिट, ये तो देखो अल्फाबेट या फिर अल्फाबेट के बाद अल्फाबेट आए उसे और फिर डिजिट्स और या फिर डिजिट्स को। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेस और सिंबल्स, ना ये स्पेस को लेता ना कोई सिंबल्स लेता। ठीक है, अंडरस्कोर कैन बी यूज, हम अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं इसमें स्पेस देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी, तो ए टू लिख सकते हैं, ए बी सी लिख सकते हैं, ए अंडरस्कोर सी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, रिप्रेजेंट द न्यूमरिक वैल्यू, ऐसे हम न्यूमरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ स्ट्रिंग वेरिएबल, वेरिएबल इज रिप्रेजेंट बाय अल्फाबेट, अल्फाबेट के थ्रू करते हैं फॉलो बाय द डॉलर साइन, जिससे हम डॉलर साइन का भी यूज करते हैं। इट कैन कंटेन लेटर्स, लेटर्स आते हैं, डिजिट आते हैं, अंडरस्कोर होता है, सिंबल्स अंडरस्कोर सिंबल्स आते हैं, एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ऑलवेज एज डॉलर, और लास्ट कैरेक्टर जो होगा वो हमेशा डॉलर होगा, साइन होगा। फॉर एग्जाम्पल ए वन डॉलर, आर के एल डॉलर, कम वन डॉलर एक्सेट्रा आर द वेरी स्ट्रिंग, ये बहुत सारी वैलिड स्ट्रिंग है। आर स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग कंटेन, जैसे ए वन डॉलर इज टू हेलो, इसका मतलब क्या है हेलो है। स्ट्रिंग वैल्यू इज टू स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी मिनिमम 40 कैरेक्टर, हम कितनी लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 40 कैरेक्टर। स्टूडेंट्स आगे का चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू, सो तब तक के लिए आप इसी को स्टडी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका ऑपरेशन चालू करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।